السلام عليكم. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. अभी हम कुछ देर वेट कर रहे हैं, बाकी लोग आ जाएं, फिर स्टार्ट करते हैं. काइंडली मुझे ये बता दें, क्या आपको आवाज सही आ रही है? क्या आपको मेरी आवाज सही आ रही है? काइंडली जल्दी से बता दें. ओके, जबरदस्त. ओके, अभी हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, बाकी लोग आ जाएं, फिर हम स्टार्ट करते हैं इसको. ओके, राइट नाउ हम इंतजार कर रहे हैं अभी तक कि बाकी लोग आ जाएं, फिर इसको स्टार्ट करते हैं. इंशाल्लाह आज के लेक्चर में काफी चीजें जो होंगी आपकी वो क्लियर हो जाएंगी और आपके डिफरेंट जो क्यूरीज हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उनके भी आंसर इंशाल्लाह मैं इस लेक्चर के एंड पे करूंगा. तो जल्दी से आए, जल्दी से ज्वाइन करें. ओके, जबरदस्त. कि अभी जो लोग अभी अभी आए हैं तो उनको मैं बताता चलूं कि अभी हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं ताकि बाकी लोग भी आ जाएं और इसको ज्वाइन कर लें ताकि फिर हम इसको स्टार्ट कर सकें. तो अभी हो रहे हैं 10:06. ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं इसको 10:09 पे स्टार्ट कर दूंगा. ठीक है, जस्ट 3 मिनट वेट कर लें, इंशाल्लाह इसको 10:09 पे हम स्टार्ट कर देंगे.
तब तक मैं ये चीज़ें भी सेट कर लूँ। इंशाल्लाह आज के लेक्चर में आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। ओके अच्छा, जब तक बाकी लोग आते हैं, काइंडली आप में से मुझे जल्दी से यहाँ पर कमेंट करके बता दें कि क्या आपको आपने होस्टिंग और डोमेन ले ली है, जल्दी से बताएं। ओके अच्छा, मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि जिसने डोमेन होस्टिंग नहीं ली तो जो मजीद लेक्चर होंगे वो नहीं ले सकेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ये चीज बताई थी कि ये लेना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि एक चीज आप स्टार्ट कर रहे हो तो उसके लिए तमाम चीजें पूरी होना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो राइट नाउ 1 मिनट रहता है, मजीद 1 मिनट बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको। 1 मिनट मजीद रहता है और उसके बाद हम इसको स्टार्ट करने लगे हैं। ओके कल तक तमाम लोग ले लें, कल तक। ओके इंशाल्लाह। ओके लास्ट मिनट है जी, लास्ट मिनट, और उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट कुछ सेकंड। ओके जी, हो गया टाइम पूरा और अब हम इसको स्टार्ट करने लगे हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर कर दूं आप लोगों को। ओके स्क्रीन सबको क्लियर नजर आ रही है? जबरदस्त। ओके जी जबरदस्त, हो गया। हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। ओके मेरा नाम शाहजेब उल हसन है और मैं आपको वर्डप्रेस, ये जो कोर्स है हमारा जो तो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये पहले पेड कोर्स था और अब आपको फ्री प्रोवाइड किया जा रहा है, उसका लेक्चर नंबर 3 है आज। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि इससे पहले हमने जो 2 लेक्चर हुए थे उसके अंदर क्लियर किया था कुछ चीजें जो कि हमें वेबसाइट बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत है। उसके अंदर हमने निच के बारे में पढ़ा था, होस्टिंग के बारे में पढ़ा था कि हमें होस्टिंग भी चाहिए और डोमेन भी चाहिए, और मैंने आपको ये भी बताया था कि होस्टिंग के जो 3 हमारे होस्टिंग टाइप्स होते हैं जो सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं, ठीक है, या जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी है, वो है शेयर्ड होस्टिंग, वीपीएस और डेडिकेटेड सर्वर। निच का आपको मैंने डिटेल में बताया था किस तरह से फाइंड कर सकते हो, टूल्स की किस तरह से हेल्प ले सकते हो और कितनी इंपॉर्टेंट है। डोमेन का भी मैंने आपको बताया था, ठीक है, मैंने आपको कहा था कि आप जहां से मर्जी चाहो लेना चाहो ले सकते हो, लेकिन ग्रुप में भी एक मेंबर था उसका भी मैंने आपको कहा कि अगर इससे लेना आप चाहते हो तो वो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन मैंने कहा था कि आपकी मर्जी है कि आप जहां से मर्जी लेना चाहते हो ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको होस्टिंग का बताया, होस्टिंग एक ऐसी होस्टिंग का बताया जहां पर उसकी प्राइस जो थी 160 रुपीज में मिल रही थी, ठीक है, जो कि बहुत सस्ती है और होस्टिंग के जो फीचर्स थे वो भी बहुत जबरदस्त थे, बाकी होस्टिंग से एज कम्पेयर टू बहुत जबरदस्त होस्टिंग थी।
और वो सिर्फ और सिर्फ आपको 160 रुपीज में मिल रही थी। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था कि ये ऑफर आप अवेल कर लें उससे पहले कि ये ऑफर खत्म हो जाए। ठीक है, अच्छा आप बहुत से लोगों का ना कुछ क्वेश्चन आ रहा था कि सर ये जो होस्टिंग आपने रिकमेंड की थी जहाँ पर 160 रुपए की मिल रही है, क्या डोमेन भी यहाँ से ले सकते हैं? तो बिल्कुल डोमेन आप वहां से ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, होस्टिंग वालों से सिर्फ होस्टिंग लें या डोमेन भी साथ ले लें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन ये डोमेन आपको अगर यहाँ से लेते आपको मिलती 1500 रुपए। ठीक है, तो ये प्राइस का डिफरेंस होता है, डिफरेंट होस्टिंग की जगह पर डिफरेंट डोमेन प्रोवाइडर का प्राइस डिफरेंस होता है। ओके, तो जी चलते हैं अपने मेन की तरफ, आगे चलते हैं अपने इस सफर को आगे चलाने के लिए। सब लोगों से गुजारिश, जल्दी से एक दफा टाइप कर दे बूम, ताकि मुझे पता चले कि भाई सब लोगों में एनर्जी है सीखने की, फिर इंशाल्लाह इसको स्टार्ट कर, जल्दी से टाइप करें। ओके जबरदस्त, ओके जी जबरदस्त हो गया, जबरदस्त। अच्छा अब ये आता है क्वेश्चन, सर हमने डोमेन ले ली है, हमने होस्टिंग भी ले ली है, ठीक है अब क्या करें? यही क्वेश्चन आता है ना, मैंने आपको डोमेन का बता दिया, होस्टिंग का बता दिया, कहा ये लेना भी जरूरी है, अब लोगों ने ले भी लिया है, अब क्वेश्चन ये आता है सर अब हमने ले लिया अब क्या करना है इसका, तो क्या करना है क्वेश्चन ये आता है। तो इसका आंसर है कि हमने कनेक्ट करना है होस्टिंग और डोमेन को, क्या करना है कनेक्ट करना है। जब मैं कनेक्ट की बात करता हूं तो बहुत से जो नए लोग हैं ना उनके ध्यान में ये आता है सर क्या मतलब है कनेक्ट का, क्या मतलब है कनेक्ट का और इसको कैसे कनेक्ट करना है। ठीक है, ये सबके माइंड में क्वेश्चन आता है सर हमने डोमेन होस्टिंग ले लिया है, ठीक है आप कह रहे हैं कनेक्ट करना है तो इसको कैसे करना है। तो यहां पर मैं आपको दो एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसमें दो कंडीशन है। ठीक है, अब आप लोगों ने मुझे बताना है, सपोज करो आप लोगों ने एक नया घर लिया, ठीक है सपोज करो आप लोगों ने एक नया घर लिया, उस घर के अंदर फर्नीचर ऑलरेडी है, मतलब एक घर लिया आपने उसके अंदर फर्निश था, मतलब वो जो सामान था उसके अंदर रखने वाला जितना फर्नीचर था वो पहले से मौजूद है। जब फर्नीचर पहले से मौजूद हो क्या आपको दोबारा से फर्नीचर लेने की जरूरत है या नहीं है? जल्दी से, एक नया घर लिया उसके अंदर फर्नीचर पहले से है, क्या आप लोगों को लेने की जरूरत है अगर पहले सारा कुछ मौजूद है जो चीजें चाहिए? जल्दी से बताएं, नो no, ठीक है मतलब हमें जरूरत नहीं है अगर फर्नीचर ऑलरेडी अवेलेबल है, ऑलरेडी उस घर के अंदर मौजूद है। ठीक है, हमें क्या जरूरत है कि हम एक्स्ट्रा पैसे लगाएं और वो फर्नीचर खरीदें? ठीक है, अच्छा आप दूसरी कंडीशन बताओ, अगर घर के अंदर आपने नया घर लिया, घर खाली है, फर्नीचर नहीं है, तो क्या आप फर्नीचर के बगैर रह सकते हैं? आपको फर्नीचर लेना क्या जरूरी है नए घर के लिए? जल्दी से बताओ, ठीक है अच्छा इसका मतलब जरूरी है। अब आपने फर्नीचर लेना हो तो क्या करोगे? बाहर जाओगे किसी जगह से लेके आओगे, ऐसे है ना, बाहर जाओगे फर्नीचर लेके आओगे और उसको सेट करोगे। अब इन एग्जाम्पल का मकसद क्या है? इस एग्जाम्पल का मकसद ये है कि सपोज करो होस्टिंग आपका घर है, ठीक है होस्टिंग जो थी वो आपका घर है, आपने घर ले लिया मतलब आपने होस्टिंग ले ली, ठीक है अब डोमेन भी, अगर डोमेन को समझ लो फर्नीचर, अगर डोमेन भी उसी घर में मौजूद है मतलब आपने होस्टिंग ली है और डोमेन भी उधर से ली है, डोमेन भी उधर से ली है, आपको मैंने एक होस्टिंग रिकमेंड की थी ना MW होस्टर, ठीक है आपने वहां से होस्टिंग ले ली, ठीक है अब सिर्फ होस्टिंग लेते हो तो सिर्फ घर ले लिया खाली, अगर आप वहां से डोमेन भी उसी होस्टिंग से ले लेते हो, उसी से जहां से होस्टिंग लिया, जहां से घर लिया, ठीक है अगर आप डोमेन भी उधर से ले लेते हो तो आपको बाहर से डोमेन लेने की या कोई और चीज की जरूरत
नहीं है, आपके घर के अंदर ही डोमेन भी मौजूद हो जाएगी और फर्नीचर भी मौजूद होगा, घर भी है आपका, ठीक है। लेकिन अगर आपने होस्टिंग ले ली है और डोमेन कहीं और से ले रहे हो, इसका मतलब आपका घर जो आपने लिया था वो पहले खाली था और फर्नीचर आप कहीं और से ले रहे हो, ठीक है। अब सपोज करो आपने होस्टिंग ले ली यहाँ से, डोमेन ले ली कहीं और से। अब जब आपने डोमेन कहीं और से ली, ठीक है, आप उसको कॉल करोगे, हेलो अस्सलाम वालेकुम, मुझे ना इतना फर्नीचर चाहिए। वो कहेंगे अच्छा ठीक है, हम पहुंचा देंगे, आपका घर कहाँ है। अब घर को हमने क्या सपोज किया हुआ है कि होस्टिंग है, तो हमने कॉल की कि भाई हमें डोमेन चाहिए। वो कहेगा अच्छा ठीक है मैम, डोमेन आपने ले ली है, कहाँ पर भिजवानी है, ठीक है। वो आपसे क्या पूछेगा, एड्रेस पूछेगा ना, जिस घर में भिजवानी है। तो ये दो एग्जाम्पल जो मैं आपको दे रहा हूँ, इसका मकसद क्या है, इसका मकसद ये है कि आपने जब होस्टिंग और डोमेन एक जगह से लोगे तब तो एड्रेस की नहीं जरूरत ना, वो तो उतना ही सामान पड़ा है। लेकिन जब आप होस्टिंग कहीं और से ले रहे हो और डोमेन कहीं और से लोगे, तब हमें क्या करना चाहिए, हमें उसको एड्रेस बताना चाहिए कि भाई ये चीज हमें यहाँ पर चाहिए। अब मैं इसकी एग्जाम्पल थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ, आपको ज्यादा आसानी समझ आएगी। डोमेन एड्रेस होता है, हमें आपको ये पता होगा, ठीक है, जिस तरह से shahzeb.com, facebook.com, ये चीज मैंने एग्जाम्पल समझाई थी। होस्टिंग किस लिए होती है कि उसके अंदर हम अपनी फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं, हमारी पिक्चर है, टेक्स्ट है, पीडीएफ फाइल्स हैं, जितनी चीजें हम वो होस्टिंग लेते हैं उसके अंदर स्पेस होती है, उसके अंदर सेव कर सकते हैं, जिस तरह मैं एग्जांपल मैंने यूएसबी की दी थी, ठीक है। अब ये दो चीजें आपने ले ली हैं, अब ये दोनों चीजें आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, अब आपको चीज और आसान हो जाएगी। अच्छा अब क्या होता है कि एक बंदा है यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, ये देखो, ठीक है, ये रेड हेयर वाला एक बंदा है, वो आप उसे कहते हो कि भाई मैंने ना डोमेन ले ली है। वो कहते हैं अच्छा वाकई, आप कहते हो हाँ मैंने ले लिया डोमेन। वो कहते हैं अच्छा कौन सी डोमेन ली है, आप कहते हो shahzeb.com, मैंने डोमेन ले लिया। वो कहते हैं अच्छा मैं अभी सर्च करता हूँ, वो फॉरन टाइप करेगा, ठीक है, एड्रेस में www.shahzeb.com, क्योंकि आपने ले लिया, वो टाइप करेगा। अब जैसे ही टाइप करेगा तो क्या होगा, आपको क्या लगता है, जैसे ही वो टाइप करेगा आपने सिर्फ डोमेन ली है तो वो क्या शो करेगा, वो कुछ भी नहीं शो करेगा ना, खाली होगी ना, कुछ भी नहीं होगा वहां पर, फाइल तो होगी नहीं, ठीक है। जैसे ही वो टाइप करेगा डोमेन कहेगी भाई क्या दिखाना है भाई, होस्टिंग किधर है, आके मैं फाइल दिखाऊं, ठीक है, नहीं होगा ना। किसी ने आपकी डोमेन का नाम टाइप किया है तो फाइल को तो नहीं पता, उसको तो नहीं पता भैया आपने होस्टिंग कहाँ से ली है, आपने बताया है क्या, ठीक है, आपको नहीं पता कि होस्टिंग कहाँ है, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये कह रही है डोमेन कह रही है भाई कौन सी फाइल दिखानी है, मुझे तो कुछ भी नहीं मिल रहा, मैं तो अंधी हो गई हूँ, यहाँ पर ब्लैंक नजर आएगा, क्यों, क्योंकि आपने डोमेन को बताया नहीं है कि भाई फाइल यहाँ पर पड़ी है। तो ये अब होस्टिंग आपकी इधर पड़ी है, आपने किसी भी बंदे से ले लिया, ये कोई आम बंदा है या कोई आम होस्टिंग कंपनी आपने यहाँ से ले लिया। अब ये चीख रहा है पीछे से, पीछे तो देखो भाई, पीछे तो देखो, इधर हूं मैं होस्टिंग, अब इसको क्या पता कहाँ देखना है, ठीक है ना, अब इसको तो नहीं पता भाई कहाँ देखना है, ये तो परेशान है भाई किधर दिखानी है, इसकी फाइल कहाँ है। तो आपने तो सिर्फ ये लिया था ना डोमेन, अब होस्टिंग आपने ली है लेकिन आपने इसको तो नहीं बताया कि भाई कहाँ पर आपने फाइल रखी हुई है। जब तक इसको बताओगे नहीं तो कोई भी ये टाइप करेगा वो फाइल नहीं दिखा सकता, आपको खाली पेज नजर आएगा। ये चीज क्लियर है, जल्दी से बताओ। नहीं ये मतलब नहीं है अरसलान, अभी ये क्लियर हो जाएगा आपको। ये चीज समझो कि जब हम सिर्फ डोमेन लेते हैं या होस्टिंग लेते हैं कहीं से भी, डोमेन ले ली, होस्टिंग ले ली, डोमेन को क्या चाहिए, डोमेन को एड्रेस चाहिए किसका, होस्टिंग का, ताकि वो क्या दिखा सके, फाइल। इसको जब तक एड्रेस नहीं बताओगे ये बंदा कंफ्यूज रहेगा कि क्या दिखाना है, खाली पेज दिखाता रहेगा, बार बार चीख रहा है भाई मुझे एड्रेस बताओ फाइल्स कहाँ पड़ी है, बार बार चीख रहा है मुझे एड्रेस बताओ फाइल्स कहाँ पड़ रही है, और ये होस्टिंग क्या बार बार चीख रही है, पीछे तो देखो भाई मैं इधर हूँ, मैं इधर हूँ, इसको तो, इसको कहाँ से नजर आएगा, इसको तो हमने एड्रेस ही नहीं बताया, ठीक है। जिस तरह फर्नीचर वाले अगर हमने बाहर से मंगवा रहे हैं उसको एड्रेस नहीं बताएंगे, उसको कॉल करेंगे हेलो भाई हमारे हमने नया घर लिया है, हमारे घर फर्नीचर भिजवा दो, तो वो क्या कहाँ भिजवाएगा जब तक एड्रेस नहीं बताओगे। विदाउट एड्रेस वो आपके घर नहीं भिजवा सकता कोई भी चीज, तो ये बात समझ आ गई, बिल्कुल। अगर आपने डोमेन कहीं और से ली है तो उसको रास्ता बताना है होस्टिंग का,
बात समझ आ गई, क्लियर है? जल्दी से बताओ। ओके ओके, जबरदस्त। अच्छा, तो अब हमने यहां से ये सीखा कि हमने अगर डोमेन ले ली है तो होस्टिंग भी लेनी है, और अगर होस्टिंग भी ले ली है, डोमेन भी ले ली है, तो इन दोनों को बताना भी है कि भाई ये होस्टिंग हमने यहां से लिए, यहां पर पड़ी है। डोमेन को बताना जरूरी है, वरना वो इस तरह से ढूंढती रहेगी कि भाई फाइल्स कहां है, और ये होस्टिंग जो है चीखती रहेगी। तो अब देखो इस पिक्चर में कि ये क्या कह रही है। जैसे उसने लिखा, ये कह रहा है कि भाई मुझे एग्जैक्ट एड्रेस बताओ। ये खुद कह रहा है भाई इधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है, किस तरफ ढूंढू, मशरिक की तरफ जाऊं, मगरिब की तरफ जाऊं, शुमाल की तरफ जाऊं, जनूब की तरफ जाऊं, हमारी फाइल्स कहाँ पड़ी है, कहाँ ढूंढू, ठीक है? तो फिर ये जो चीख रही है होस्टिंग के भाई पीछे देखो, फिर इसको ये कहता है, ओ ये कहता है भाई मुझे एग्जैक्ट एड्रेस बताओ। ये कहता है अच्छा एड्रेस बताना है, क्यों? मुझे कहो ना कि तुम्हें एड्रेस चाहिए ताकि तुम ये फाइल दिखा सको जो मैंने होस्टिंग पे रखी है। अब होस्टिंग पे मैं क्या रखूंगा, मैंने जो वेबसाइट बनानी है, डिजाइनिंग करनी है, उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखना है, उसके अंदर जो पिक्चर लगानी है, लोगो लगाना है, जो भी कुछ चीजें हैं वो सारी तो होस्टिंग में पड़ी होंगी। जब तक इसको ये रास्ता नहीं पता चलेगा, यहाँ पर कुछ नजर नहीं आएगा। ये चीज क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि हर होस्टिंग का एक एड्रेस होता है। हर होस्टिंग का क्या होता है? एक एड्रेस होता है, जो कि हमने किसको बताना होता है? डोमेन को। डोमेन को बताएंगे तो डोमेन क्या करेगी, वो एड्रेस के जरिए पहुंच जाएगी, उसको पता लग जाएगा यहां पर उसकी फाइल्स पड़ी हैं, वो फाइल दिखा देगी। सिंपल है ना? तो इसके लिए हम कहते हैं DNS। DNS का मतलब है डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन ये होता है कि जो डोमेन नेम होते हैं, ठीक है, उनको एक एड्रेस दे दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं आईपी एड्रेस। ठीक है, तो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है, इसको कहते हैं DNS। तो हमें क्या जरूरत है, हमें DNS का पता होना चाहिए जो भी होस्टिंग हो। अब सपोज आपने होस्टिंग कहां से भी लिया है, सर आपको नहीं पता ये मैंने एक होस्टिंग लिया सर, पता नहीं किसी बंदे का नाम था, ठीक है, वहां से मैंने होस्टिंग ले ली है, तो सर अब मैंने इसको कनेक्ट करना है, तो मैं क्या करूं? मैं कहूंगा आप मुझे ये बताओ आपने जहां से होस्टिंग ली है उसका एड्रेस क्या है। आप कहोगे सर मुझे तो नहीं पता एड्रेस क्या है। तो एड्रेस फाइंड कैसे करते हैं? नहीं आता ना, सर मुझे क्या पता इसका एड्रेस क्या है, मैंने तो होस्टिंग ले लिया, मुझे एड्रेस नहीं पता। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि हमें अपनी होस्टिंग वालों को या तो मैसेज करना चाहिए, ठीक है, उनको मैसेज कर दो कि अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, मैंने होस्टिंग आपसे बाय की है, तो काइंडली आप मुझे DNS बता दें। ठीक है, वो क्या करेंगे, वो आपको एड्रेस बता देंगे DNS। ठीक है, आपने वही चीज, ठीक है, वो आपको एड्रेस बता देंगे, आपने वही एड्रेस जो है डोमेन के अंदर इंसर्ट करना है ताकि आपकी डोमेन लिंक हो जाए, ठीक है, और वो फाइल दिखा सके। क्लियर है? अच्छा, आप सपोज करो हमने होस्टिंग कहां से ली थी, जल्दी से बताओ होस्टिंग कहां से ली थी, हमने होस्टिंग ली थी कहां से ली थी, जल्दी से अच्छा बताओ। अब हम फाइंड करते हैं DNS कैसे पता चलेगा। MW होस्टर, बिल्कुल जबरदस्त। MW होस्टर से हमने होस्टिंग ली थी, तो अब हम देखते हैं उसको ओपन करके। अच्छा, अब हम आएंगे अपनी होस्टिंग में, ठीक है, हमने अभी आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी कि मैंने अपनी वही MW होस्टर जब बाय कर ली है, उसको लॉगिन करूंगा तो मेरे पास ये शो होगा सारा कुछ, ठीक है, सी पैनल को लॉगिन कैसे, ये मैंने जब लॉगिन किया है, ये देखो ये MW होस्टर पे लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद
आपको ये शो होगा, एक मैं आपको मेन स्क्रीन पर ले जाता हूँ, ये देखो इस तरह से आपके पास शो होगा। आपने क्या करना है कि जो आपने सर्विस बाय की है, स्पॉट यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ पे क्लिक करने और ये लिखा हुआ है लॉग इन टू कंट्रोल पैनल, यहाँ पे क्लिक करने। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप इसके कंट्रोल पैनल में पहुंच जाएंगे, जहां पर ये तमाम चीजें कंट्रोल आप कर सकते हैं वेबसाइट्स, ठीक है। जहां पर हमें क्या चाहिए कि हम देखो दो तरीके मैंने बताया ना कि नेम सर्वर के लिए या तो हम होस्टिंग वालों को खुद कह सकते हैं कि भाई हमें नेम सर्वर बता दो, ठीक है, या तो हम यहाँ से कंट्रोल पैनल से भी देख सकते हैं। कुछ होस्टिंग में होता है, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है कि आवर नेम सर्विस सर्वर्स आर ये उन्होंने एड्रेस बताए हैं, ये देखो ये और ये। तो हमने क्या करना है, इन एड्रेसेस को, जो भी ये एड्रेस हैं, इनको अपने होस्टिंग के अंदर जो डीएनएस है वहां पर इंसर्ट करना है, हमारे डोमेन के अंदर जो डीएनएस है वहां पर इंसर्ट करना है, ताकि डोमेन को पता चले कि होस्टिंग यहाँ पर पड़ी है। तो ये एक्चुअली क्या है, ये एड्रेस है, ठीक है। अगर आपको यहाँ से एड्रेस ना मिले तो आप होस्टिंग वालों से खुद मैसेज करके भी पूछ सकते हो। दूसरा मेथड क्या है, जिस तरह से मशहूर होस्टिंग है ना, नेम चीप है, ठीक है, नेम चीप जो है वहां पर आप ये लिख सकते हो कि भाई नेम चीप नेम सर्वर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, या तो आपको यहाँ पर भी आप सर्च में भी यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, तो पूरा उन्होंने दिए होते हैं, उसके ऊपर आर्टिकल लिखे होते हैं, तो आपको यहाँ से भी मिल जाएंगे वो एड्रेस। लेकिन सबसे आसान और आसान तरीन तरीका क्या है, होस्टिंग वालों से खुद पूछ लो, तभी मैंने डोमेन कहीं और से लिया है, आप मुझे नेम सर्वर बता दें ताकि मैं अपना एड्रेस उसको दे दूं अपनी डोमेन को। तो ये चार एड्रेस हमने क्या करने हैं, डोमेन के अंदर एडजस्ट करने हैं। जब हम ये पाथ दे देंगे तो क्या होगा, फिर क्या होगा जल्दी से बताओ, जैसे कोई डोमेन ओपन करेगा, डोमेन को पता होगा कि फाइल्स कहाँ से मैंने पिक करनी है, कहाँ से मैंने फाइल दिखानी है। तो ये पहला स्टेप है, जब आपने होस्टिंग और वो ले ली है तो ये पहला स्टेप है कि आपने किस तरह से कनेक्ट करना है डोमेन होस्टिंग को। ये क्लियर है, जल्दी से बताओ मुझे। ये क्लियर है सबको, ये चीज समझ आ गई ना कि क्यों कनेक्ट करना क्यों जरूरी है और कनेक्ट करना कैसे है और ये एड्रेस की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है, एड्रेस हम किस तरह से ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डोमेन हम जहां से मर्जी लें, होस्टिंग जहां से मर्जी लें, सिर्फ कनेक्ट करना पड़ता है, वो कनेक्ट हम कर सकते हैं। जल्दी से बताओ अगर क्लियर है सारी चीज। ओके जबरदस्त, ओके जी जबरदस्त हो गया। आज के इस लेक्चर का मेरा मेन मकसद यही था कि मैं आपको समझा सकूं कि डोमेन और होस्टिंग को कनेक्ट कैसे करना है, ठीक है, डोमेन और होस्टिंग को कनेक्ट कैसे करना है, ठीक है। आपने अभी आपने का काम क्या है, आज का आपका टास्क क्या है, सिर्फ आपने नेम सर्वर पता करना है, अपनी होस्टिंग को मैसेज करना है कि भाई नेम सर्वर क्या है, ठीक है, ताकि मैं डोमेन को कनेक्ट कर सकूं। सिर्फ इतना आपका असाइनमेंट है, जिसने जहां से भी होस्टिंग ली है होस्टिंग वालों को मैसेज करना है कि नेम सर्वर क्या है, जो भी वो आपको बताएं सिर्फ आपने वो लिख लेना, ठीक है, क्लियर है। फिर हम क्या करेंगे, ये एड्रेस बताना कैसे, नेम डोमेन के अंदर इंसर्ट कैसे करना है, वो हम परसों करेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही था, जो बाकी होगा कि कनेक्ट कैसे करना है, ये जो अब एड्रेस जो हमें दिया है, जो हमें मिलेगा, इसको डोमेन के अंदर लगाना कैसे, एड्रेस डोमेन को बताना कैसे, ये वेडनेसडे को करेंगे, ठीक है। तो ये वेडनेसडे को हम सीखेंगे कि डोमेन को एड्रेस कैसे देना है, फिर दोनों कनेक्ट हो जाएंगी, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर इतना ही था, मैं नहीं चाहता कि इसके बाद आप आए हो, अभी आपको काफी ज्यादा जो आपने खाना खाया है वो अभी आपका हजम हो रहा होगा, तो आराम से आप लोग हजम करें।
और उम्मीद है कि आज के लेक्चर में आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। मेरा मेन मकसद ये है, बेशक थोड़ा हो लेकिन इतना हो कि आपको चीजें क्लियर हो, कभी भूले ना आप। ठीक है, ओके। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, वेडनेसडे को का नहीं, सॉरी थर्सडे को, सही, ठीक ठीक थर्सडे को होगा, सॉरी ये वेडनेसडे गलती से लिखा गया, ये थर्सडे को होगा, आपका परसों होगा। ओके राइट नो, कोई क्वेश्चन है किसी का जल्दी से पूछें, ये मैं आपको पहले बता रहा हूं, जो लोग एक्टिव नहीं है उनको बाकी मजीद लेक्चर नहीं मिलेंगे। अच्छा इसके अलावा मैं प्राइजेस का बता दूं, एक तो टॉप 10 जो अनाउंस हुए थे उन टॉप 10 की लकी ड्रॉ होगा, उसमें से जो लोग होंगे वो उनके लिए कुछ इनामात हैं, और जिन लोगों ने वीडियोस बनाई है उन सब लोगों को मोज का अकाउंट फ्री दिया जाएगा। मोज का अकाउंट आप लोगों को आज रात को मिल जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि लोग जो हैं सारे हमारे टीम मेंबर अभी से कुछ अभी फ्री हुए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम डिले हो गया। तो आप तमाम लोगों को मोज का अकाउंट मिल जाएगा जिन्होंने वीडियो बनाई है, और जो बाकी लोग हैं एक्टिव उनकी लकी ड्रा के जरिए वो अनाउंस हो जाएगा। उसके अलावा आप लोगों को एक चीज बता दूं, हमारा इस सैटरडे को, एक शो होगा, पाकिस्तान प्रो ट्रेनर शो होगा, जो के जिसके अंदर डिफरेंट लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो, सिर्फ एक्टिव लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो लोग एक्टिव हैं ग्रुप के अंदर, ठीक है। उस शो में क्या होगा, चार लोग सिलेक्ट होंगे, चार लोग आएंगे लाइव, ठीक है, और लाइव उनसे क्वेश्चन आंसर होंगे, और हर क्वेश्चन पर डिफरेंट प्राइज मिलेगा। दूसरा आपने देखा होगा ना कौन बनेगा करोड़पति में, एक सवाल का सही जवाब दो ये इनाम, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, इस तरह से आप में से कोई भी वो बंदा पार्टिसिपेट कर सकता है अगर आप एक्टिव हो तो। सैटरडे को होगा वो रात को, और उसके अंदर इंशाल्लाह ये तमाम चीजें आएंगी, ठीक है। ओके अच्छा, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली मुझे ग्रुप के अंदर टैग कर दें, बता दें। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा, आज के लिए इतना ही था, तो दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज।